हेलो जी, राम राम। एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल स्काउट ट्रेवल पर। भाई, इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कंपनियाँ उनके टेक्नोलॉजी पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं, इसीलिए हमें कुछ बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलते हैं। जहाँ ओला, एथर और ओकिनामा ने मार्केट में अपनी नई पहचान बनाई है, वहीं हीरो, टीवीएस और बजाज की इलेक्ट्रिक स्कूटर लोगों को इस सेगमेंट के प्रति भरोसा दिलाने में काफ़ी हद तक सफल रही हैं। इन सब को देखते हुए जापानी कंपनी या ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा ने भी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को लाने का फैसला कर चुकी है। दरअसल बात यह है, होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक की 2024 में पहले 6 महीने में, यानी कि सेकेंड क्वार्टर के आसपास, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है। एक्टिवा को इसके नए प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन किया गया है, जो कि पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के डिज़ाइन के लिए किया गया है। अभी तक मिल पाई जानकारी की माने तो कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्टिवा होने वाली है, जिसके कारण इसे अगले साल यानी कि नेक्स्ट 4 या 5 मंथ में इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। कंपनी से जुड़े लोगों का कहना है कि इसे जनवरी से लेकर मार्च के बीच में ही लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इसमें थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिल सकते हैं। होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको 200 किलोमीटर की राइडिंग रेंज मिलने वाली है। इस नई इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी, जिसके कारण आप इसे आसानी से अपना काफ़ी अच्छा खासा समय बचा सकते हो। इसमें लगी सभी लाइट्स LED होने वाली हैं। इसके अलावा इसमें आपको कनेक्टिविटी, नेविगेशन, ब्लूटूथ जैसी सुविधाजनक फीचर्स भी दिए जाएंगे। अगस्त महीने में ही होंडा ने घोषणा कर दी थी कि वो अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम कर रहे हैं। हालांकि वो इस सेगमेंट में 2027 के बाद से काम करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रोडक्ट को बाजार में उतारा जाएगा और इसी प्रोडक्ट में उनका पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्टिवा भी शामिल होगा। ये एक तरह से कंपनी का समझो कि ये ट्रायल ले रहे हैं। एक्टिवा इनकी एग्जिस्ट करती है मार्केट में और उसी बॉडी फ्रेम पे थोड़ा बहुत चेंज करके ये इलेक्ट्रिक लेके आ रहे हैं। अगर इनकी इलेक्ट्रिक सक्सेस होती है तो भाई ये नेक्स्ट अभी 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर समथिंग लेके आने वाले इंडियन मार्केट में 2027 तक। तो अगर आप भी एक्साइटेड हो एक्टिवा इलेक्ट्रिक के लिए, भाई नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, नेक्स्ट आप किस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में या फिर किस बाइक के बारे में जानना पसंद करते हो, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए राम राम।